रहमान रहीम आज हम मॉड्यूल 114 डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 114 है अबाउट थ्रेड आइडेंटिटी इससे पहले हमने प्रोसेस को डिस्कस किया था तो प्रोसेस के अंदर देखा था कि हमारे पास प्रोसेस का हैंडल भी होता है और प्रोसेस का आई भी होता है आई uh, एक डिफरेंट एंटिटी है आई के अंदर uh, और uh, उसका जो हैंडल है वो एक डिफरेंट एंटिटी है और दोनों इक्वेंटली भी इस्तेमाल हो सकते हैं आईडी रखने की फिर भी हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है किसी व ख़ास वजह से और हैंडल की भी ऑफ कोर्स ज़रूरत पड़ती है क्योंकि विंडोज़ तो हर चीज़ को एज एन हैंडल ही ट्रीट करती है तो सेम केस है इन केस ऑफ थ्रेड्स थ्रेड्स के भी आई होते हैं और थ्रेड्स के भी हैंडल्स होते हैं तो अगर आपके पास हैंडल है तो आप उसका आई डी कर सकते हैं आपके पास अगर आई है तो आप उससे उसका हैंडल गेट कर सकते हैं तो इसके लिए ऑफकोर्स हम कैसे गेट करते थे प्रोसेस के केस के अंदर हमारे पास विंडोज़ ने सर्टन ए प्रोवाइड की हुई हैं तो थ्रेड्स के केस के अंदर भी ऑफकोर्स नंबर ऑफ़ ए अवेलेबल हैं अगर आपको हैंडल पता है तो उससे आप आई डी कर सकते हैं अगर आपको आई पता है उससे आप हैंडल गेट कर सकते हैं तो देखते हैं कौन कौन सी ए हैं जिनकी मदद से ऐसा किया जा सकता सबसे पहले ए है गेट करंट थ्रेड ये बिल्कुल जिस तरह हमने एक फंक्शन यूज़ किया था गेट करंट प्रोसेस बिल्कुल उसकी तरह का है ये आपको एक सूडो हैंडल रिटर्न करता है जो भी कॉलिंग थ्रेड होती है उसका आपको एक सुडो हैंडल रिटर्न करता है और उस हैंडल के थ्रू फिर आप आईडी को भी गेट कर सकते हैं और इसी तरह बिल्कुल फंक्शन है गेट करंट थ्रेड आईडी तो इस केस के अंदर आईडी आपके पास जो भी करंट थ्रेड है उसका आईडी रिटर्न होगा जो कॉलिंग थ्रेड है उसका आपको इस केस में आईडी रिटर्न होगा गेट थ्रेड आईडी बड़ा सिंपल सा फंक्शन है इस फंक्शन में क्या होगा क्या आप हैंडल स्पेसिफाई करेंगे थ्रेड का और उसके अगेंस्ट जो थ्रेड का आईडी है वो आपको रिटर्न हो जाएगा और अगला फंक्शन है ओपन थ्रेड ओपन थ्रेड क्या करता है कि एक थ्रेड uh, क्रिएट कर देगा और जब थ्रेड क्रिएट करेगा तो आप उस थ्रेड के लिए आईडी स्पेसिफाई करेंगे ऑलरेडी एक कोई आईडी होगा थ्रेड आईडी आपके पास आप उसमें से एक हैंडल क्रिएट कर देगा उस आई डी के अगेंस्ट एक हैंडल क्रिएट कर देगा क्योंकि हमने पहले देखा है कि एक थ्रेड के लिए कई सारे हैंडल्स भी हो सकते हैं तो फर्स्ट टाइम तो आप क्रिएट थ्रेड से एक थ्रेड क्रिएट करते हैं उसके बाद आपके पास अगर उसका आइडिया आ जाता है या सूडो हैंडल आ जाता है या गेट करंट थ्रेड आईडी से आपके पास उसका आईडी आ जाता है या क्रिएट थ्रेड से उसका आईडी आ जाता है तो उस आईडी के अगेंस्ट आप उसका हैंडल गेट कर सकते हैं और वो कैसे गेट करेंगे ओपन थ्रेड की मदद से